एवरी वन वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम करेंगे बीएससी थर्ड सेमेस्टर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन विथ सॉल्यूशन तो पहले हमने वीडियो में करे थे लॉन्ग क्वेश्चन के क्वेश्चन क्वेश्चन खाली ठीक है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो भी तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तो इसलिए मैंने इनके विथ सॉल्यूशन वीडियो बनाई है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं राइट एन ऐसे ऑन हरबेरियम एंड गिव सम इम्पॉर्टेंट हरबेरिया ऑफ इंडिया तो इन्होंने कहा है कि हरबेरियम पे हमें ऐसे लिखना है ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट हरबेरिया बताने हैं इंडिया के ठीक है तो हरबेरियम क्या होता है हर्बेरियम वो कलेक्शन होती है जो सूख जाते हैं और प्रेस करके प्रॉपरली प्रज़र्व करे जाते हैं रखे जाते हैं प्लांट ठीक है जिसकी वजह से हम उन्हें अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ लेबल करें और उन्हें सिस्टमेटिकली अरेंज कर दें ठीक है क्लासीफिकेशन के अकॉर्डिंग तो ये होता है हरबेरियम तो इसमें इंपॉर्टेंट हलबेरिया बताने हैं हमें ठीक है तो जैसे इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं हरबेरियम ऑफ इंडियन बोटेनिकल गार्डन कोलकाता इंडिया ठीक है नेक्स्ट आता है फ़ॉरेस्ट हर्बेरियम शिंगचोंग इंडिया वेस्टर्न सर्कल हरबेरियम बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो ये कुछ दे रखे हैं इसमें देखिए आप पढ़ लेने इन्हें अच्छे से डिटेल में भी लिखे हुए हैं वैसे भी ठीक है अगर आप इनके हेडिक्स भी डाल देंगे ना और वन टू लाइन लिख देंगे कि कहाँ पे लोकेट करते हैं और कहाँ पे नहीं कहाँ पे है कहाँ के थोड़ा बहुत लिख देंगे इनके बारे में तो भी अच्छे से हो जाएगा नंबर आपको मिल जाएंगे ठीक है तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप हलबेरियम के ऊपर अच्छे से ऐसे लिख लें ठीक है जैसे कि ये हो गया हरबेरियम के बारे में लिख दिया फिर इंपॉर्टेंट क्यों है हलबेरिया वो लिख दिया किसने दिया था किसने क्या करा था सब कुछ और इंपॉर्टेंट आ गए आप इसका एसस ले लें ठीक है और जल्दी मैं जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी ठीक है अभी के लिए आप एस एस ले लें ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन बोटेनिकल गार्डन वेयर इज़ नेशनल बोटेनिकल गार्डन सिटुएटेड डिस्क्राइब इन डिटेल ठीक है तो ये जो गार्डन होते हैं वो इसलिए डेवलप करे जाते हैं जिससे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी में होते हैं ये गार्डन जिसमें जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है वो यूज़ कर पाएँ बोर्डनी फॉर स्टडी परपोज़ ठीक है बच्चे जो है जान पाएँ पेड़ के बारे में इनके हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होता है बोटैनिकल गार्डन एक ठीक है जिसमें प्लांट प्रोवाइड करे जाते हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं जब आपको यूनिट के अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है ठीक है तो इन्होंने बोला है कि वेयर इज़ नेशनल बोटैनिकल गार्डन सिचुएटेड तो आपको ये बताना है ठीक है नेशनल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पर सिचुएट है लखनऊ में ठीक है तो ये इसका नीचे का हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट हो गया ठीक है इसको हमें डिस्क्राइब करना है डिटेल में तो ये रहा इसका आंसर स्क्रीनशॉट ले लें आप क्योंकि फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो अगर मैं इतना डिस्क्राइब करूँगी तो ठीक है इजी टॉपिक है कर लेना आप नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सनॉमिक की एंड हाउ दे आर प्रेफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्सनॉमिक की एंड हाउ दे आर प्रेफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन तो टेक्सनॉमिक की क्या होता है उसको डिफाइन करना है ठीक है टेक्सिनॉमिक की जो होते हैं आर्टिफिशियल एनालिटिक अरेंजमेंट होता है ठीक है जो यूज़ किया जाता है प्लांट को अननोन प्लांट को आइडेंटिफाई करने में ठीक है और टेक्सनॉमिक की हमने एलेवन्थ में भी पढ़ी थी ठीक है तो ये तो ईजी होती है इसी है क्वेश्चन आप पढ़ लेना अच्छे से दूसरा इन्होंने पूछा है डिफाइन है उसके बाद पूछा कि प्रेफरेबल टूल फॉर आइडेंटिफिकेशन तो ये कीज़ है इसके दिए हुए ठीक है ये पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हरबेरिया होता है उसके फंक्शन हरबेरा तो पढ़ लिया उसके फंक्शन पढ़ने राइट फंक्शन ऑफ़ हरबेरिया ठीक है फंक्शन बताने तो इसमें जो होता है इंपॉर्टेंट होता है ये ये शॉर्ट में भी आ सकता है ठीक है क्योंकि ये वैसे दे रखा है ना तो शॉर्ट में भी आ सकता है तो इसके दो फंक्शन होते हैं प्राइमरी फंक्शन होता है कि कंडक्ट करे हर बेरियम को जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करे ठीक है सेकेंडरी फंक्शन होता है कि इंट्रेक्शन करे और सिस्टमेटिकली uh, अरेंजमेंट करे ठीक है तो इसको आप डिटेल में पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ठीक है ये आप पढ़ लेना क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें जो है क्लासीफिकेशन जो है देखो आप अगर क्लास क्लास में लिखेंगे तब भी मार्क्स मिल जाते हैं वैसे तो क्योंकि इतने ऑर्डर आप नहीं याद कर सकते ठीक है ना तो इसीलिए आप जो है सीरीज़ बना के क्लास करके चार्ट बना के भी लिख सकते हैं ठीक है थीके? ये है इसकी क्लासिफिकेशन सब क्लास के अकॉर्डिंग और सीरीज़ के अकॉर्डिंग लिख दें आप ठीक है ऑर्डर क्योंकि आपको इतने याद नहीं दबाएंगे स्क्रीन चार्ट ले लेना आप ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा ये गिव राजस्थान सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन डिटेल ठीक है तो ये जो है इसके बारे में डिटेल में लिखना है आपको राजस्थान सिस्टम क्या होता है ठीक है कब दिया गया है इसमें सब कुछ है ठीक है नेक्स्ट इसमें दी हुई है क्लासिफिकेशन तो ये डिवीज़न दी दीवी हुई है वैसे ही क्लास है स्टार्टिंग की ठीक है डाइकोटिलिडन सब क्लास है मैकनोलॉजी ठीक है तो क्लास हो गई इसकी डाइकोटिलिडन ऑर्डर दिए हुए हैं ठीक है ये हो गए ठीक है क्लास हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अकाउंट वेजिटेटिव एंड फ्लोरल कैरेक्टर ऑफ फैमिली रैन एंड क्लोसी ठीक है तो ये जो है इंपॉर्टेंट है रैन एंड क्लोसी के ऊपर ठीक है सबसे पहले हमने बैंत रू ने दिया था ये नाइनटीन सिक्सटी टू में ठीक है ये होता है फिनोर गेम्स तो ये बैंता रू करने दिया था नाइनटीन सिक्सटी टू में फिनोर गेम्स होता है डाकोटेडन होती है पॉली पॉली पेटेली होती है थाली में, थाली में फ्लोरी होता है तो जो फ्लोरी होता है रेनिल्स होता है और रेकुलिसी रेनकुलेसी जो होता है वो बटर कप होता है ठीक है बटरकप जैसी और ग्रो फ्रूट फैमिली होती है इसकी ठीक है ये वेजिटेटिव करैक्टर है कुछ हैबिट रूट स्टेम ठीक है इसी एनअल पैनवा हब होती है ठीक है श्रब्स वूडी क्लिपर्स होते हैं तो ये ऐसी इनकी डिटेल में लिखी हुई है सब कुछ लीव के बारे में फिर आता है हमारा इन्फ्लूंस इन्फ्लूंस इसका यूजली सॉलिटे टर्मिनल होता है ठीक है और एगजेल होता है ठीक है ये सारे हो गए इसके वेजिटेटिव करेक्टर ये आगे गैलेक्स क्लोरो हाइड्रोशियम गायनोशियम फ्रूट के बारे में जनरल फार्मूला भी लिखा है इसका ठीक है तो ये आप एसेस ले लें इसका ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा मालवेसी के ऊपर इसके ऊपर भी आप एस एस ले लें पेंथल उपकरण ने दी थी फेनरल होती है डाइकॉटी लिडन होती है ये भी पॉलिप होती है थैली में फ्लोरी मालवेस और मालवेसी इसकी फैमिली होती है ठीक है ये रहा है इसके फ्लोरल कलेक्टर वेजिटेटिव कलेक्टर फार्मूला इसका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कुकुर बिटेसी के ऊपर ठीक है इसमें भी आप ऐसे ले लें आंसर के ठीक है बंतर मुकुर ने दी थी डाइकोटिलेडन होती है और पॉली होती है ठीक है कुकुर बिटेसी इसकी फैमिली हो गई वेजिटेटिव करेक्टर फ्लोरल करेक्टर ठीक है इसमें नीचे दिया हुआ है फॉर्मूला ओके इसकी इकोनॉमिक एक, इम्पोर्टेंस भी पूछिए तो ये है कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एस टी सी एस टी सी के बारे में लिखा है ठीक है इसके कलेक्टर हो गए स्क्रीन शॉट ले रहे हैं हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी पूछिए इसकी इकोनॉमिक तो इंपॉर्टेंस होती है ऑर्नामेंटल में यूज़ होता है एडिबल होता है ठीक है नेक्स्ट आता है ऑयल ठीक है तो ये ऑयल्स होगा इसके ठीक है नेक्स्ट आता है फ्लोअ कलेक्टर ऑफ सोलन ए सी ठीक है स्क्रीन शॉट लेते जो ठीक है ये फ्लोरल करेक्टर है डायग्राम भी दिया गया है ये आपको ज़रूरी होता है कि आप फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम ज़रूर बनाएं ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आ गई ठीक है कुछ लिख सकते हैं आपको सारी करने की ज़रूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज क्लेडिटीज ठीक है एक्सप्लेन इन डिटेल क्लेडिटीज़ क्या होता है ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आप ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ठीक है रखते हैं क्लासिफिकेशन करते हैं ठीक है और आप इसको डिटेल में पढ़ लेना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज जीआईएस मैप लेयर ठीक है एक्सप्लेन इट द मैजिक ऑफ जीआईएस मैप लेयर इज़ अलाउ फॉर स्टैकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप को स्टैक कर सकते हैं ठीक है सेम स्क्रीन के ऊपर ठीक है तो उसको हम कहते हैं जीआईएस मैप लेयर ठीक है तो ये आगे इंटरेस्टिंग इसमें इन्होंने एक्सप्लेन इट बोला तो इसमें आगे इंटरेक्टिव जी आई मैपिंग ठीक है मैप क्वारिरीज़ ये सब कुछ है इसमें ठीक है इस रिजॉट ले लें ले, आप इनमें इसमें पढ़ के जाए ये इंपॉर्टेंट नहीं होती कि क्या दें उसमें से पर यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये आता है काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसलिए मैंने आपको ये दिया है इसका आंसर के साथ तो आप एक बार पढ़ लें कि क्या होता है जी आई स्मैप लेर कॉमनली वो सबको पता होता है ठीक है एक बार पढ़ के जाएँ पर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें ठीक है प्रिंटिंग जी आए स्मैप्स ठीक है उसके बाद आता है वाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्कस इट इंपॉर्टेंट है ठीक है और इसके बेसिक ऑपरेशन फंक्शन के बारे में सब कुछ बताया गया ये इसमें चार्ट्स सब कुछ आ रहा है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस फेमस गार्डन इन इंडिया ठीक है फेमस गार्डन बताने वृंदावन गार्डन मसूरी रॉक गार्डन चंडीगढ़ ठीक है गवर्नमेंट बोटेनिकल गार्डन ऊटी या गार्डन पंजोर ठीक है ये हो गया ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वॉट इज ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस क्या होता है इंपॉर्टेंट है करके इजी भी है कॉमन क्वेश्चन है क्या आप सबको पता होता है ग्रीन हाउस क्या होता है एफिशिएंसी प्रोडक्टिव ग्रीन हाउस ऑपरेशन लार्जली डिपेंडेंट ऑन टाइप ऑफ ग्रीन स्ट्रक्चर यूज डिजाइन टू सिलेक्ट फ्रॉम इंपॉर्टेंट टू बिकम फैमिली एंड एडवांटेज डिसएडवांटेज ऑफ ईच टाइप दिए गए हैं ग्रीन हाउस के ठीक है थोड़ा सा पढ़ लें शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा वैसे पर लॉन्ग में भी, भी कई बार दे देते हैं कि ऐसे लिखे आप ग्रीन हाउस के ऊपर उसके टाइप बताएं ठीक है तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच सॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं ठीक है जो ना है आप कमेंट में पूछें और आपको अगर किसी टॉपिक के किसी क्वेश्चन के ऊपर पूरा एक्सप्लेन टॉपिक चाहिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी ठीक है तो ये आप स्क्रीन शॉट ले ले, ले आपने वीडियो स्टॉप करके ले, ले।